सोनी की हार्डकोर आर रेटेड मूवी यानी कि क्रेव इंडिया हंटर इस मूवी का ट्रेलर लॉन्च हो चुका है और भाई ये ट्रेलर काफी ब्रूटल और काफी तगड़ा लग रहा है। हालांकि स्टोरी वाइज इन्होंने इस मूवी में कई सारे चेंजेस किए हैं, लेकिन जब ये मूवी आर रेटेड जाती है तब ये बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं देख रहे। तो बेसिकली अगर आपको नहीं पता है तो बता दूं कि क्रेव इंडिया हंटर ये स्पाइडरमैन का काफी पॉपुलर विलन है जो एक्चुअल में तो विलन होता है लेकिन सोनी वालों ने इस मूवी के लिए उसे एक हीरो बना दिया है। तो बेसिकली क्रेव इंडिया हंटर ये अपने नाम की तरह एक अच्छा खासा हंटर होता है जिसके चलते वो अपनी चीजों को काफी आसानी से ट्रैक कर पाता है, लेकिन अपनी उसी इस एबिलिटी को मूवी में कुछ हमें डिफरेंट टेक से दिखाया गया है। और उसका ट्रेलर देख ऐसा लगता है कि इस मूवी में हमें क्रेविन के साथ साथ ही निकोलस क्रेविनॉफ यानी कि क्रेविन के पिताजी के बैकग्राउंड के ऊपर भी अच्छा खासा फोकस किया गया है और ऐसा लगता है कि उनके इस एनिमल हंटिंग का या फिर एनिमल फोर्जी का उनका बिजनेस हो सकता है क्योंकि उनके ऑफिस के हमें शूट में हमें एनिमल्स के कई कई ग्लिम्स दिख जाते हैं और उनके इसी आइडियोलॉजी को सर्ज बिल्कुल भी एग्री नहीं करता जिसके चलते वो उसको शेर की शिकार करने के लिए उसके सामने भेज देते हैं जिसको वो मार नहीं पाता जिसके चलते शेर उस पर अटैक कर देता है, लेकिन उसके बाद के कई सीक्वेंस काफी ज्यादा ब्रूटल दिखाए गए हैं और उसके चलते मूवी में क्रेविन के ओरिजिन को भी चेंज कर दिया है क्योंकि एक्चुअल कॉमिक्स में क्रेविन जो है वो एक नॉर्मल हंटर ही होता है जिसको उसकी पावर एक कैलिप्सो नाम की एक जादुई महिला से मिलती है जिसको मैजिक वगैरह आता है और वो क्रेविन की लव इंटरेस्ट भी रह चुकी है और वो उसे कुछ मैजिक पोशन वगैरह दे देती है जिसके चलते क्रेविन को उसकी पावर्स मिल जाती है जिसमें सुपर स्ट्रेंथ होता है, सुपर स्पीड होता है और उसकी इसी स्ट्रेंथ को हमने ट्रेलर के स्टार्ट में ही देखा था और हाँ हम उसे मूवी में भी आगे देखने वाले हैं और इन सभी स्ट्रेंथ का यूज करके क्रेविन जो है वो एक अच्छा एक्सपर्ट हंटर बन जाता है, लेकिन मूवी में हमें इसी उसके ओरिजिन को काफी ज्यादा अल्टर होते हुए देख सकते हैं। मूवी में उसको ताकत उसकी एक शेर के काटने से मिलती है, हाँ लिटरली शेर के काटने से उसको पावर्स मिल जाते हैं, तो उस हिसाब से हम इसे शमशेर कह सकते हैं या फिर लायन मैन भी कह सकते हैं। ये क्या बात कर रहा हूं मैं। और फिर हमें ऐसा पता चलता है कि जब भी अब उसके एनिमल के साथ कनेक्शन हो चुका है तो अपने प्रे को ट्रैक करके मार देता है, लेकिन वो हर किसी को ही नहीं मारता, उसने एक लिस्ट बनाई है और उस लिस्ट में जिसका नाम है उन्हीं को ही वो मार देता है। और फिर हमें इस मूवी के काफी तगड़े तगड़े एक्शन सीक्वेंसेस देखने को मिल जाते हैं और जैसे कि उन्होंने पहले ही बता दिया कि ये मूवी आर रेटेड होने वाली है और हाँ ये मूवी हार्डकोर आर रेटेड हो रही है और ये आर रेटेड जान में बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं देख रही। और फिर इसके बाद हमें एरिया डेब्रोस के कैरेक्टर की भी एक झलक देखने को मिल जाती है जो कि प्रोबेबली इस मूवी में कैलिप्सो का रोल प्ले करने वाली है और जैसे कि मैंने बोला कि ये क्रेविन की लव इंटरेस्ट रेज की है और ये इसको मैजिक वगैरह आता है और यही है जिसके चलते क्रेविन को उसकी पावर्स मिली थी, लेकिन ये भी एक नेगेटिव कैरेक्टर ही होती है, लेकिन जो कि इस मूवी में अब क्रेविन पॉजिटिव कैरेक्टर प्ले कर रहा है तो हाँ वो भी इस मूवी में पॉजिटिव कैरेक्टर ही प्ले करने वाले है। और इसके अगले सीन में हमें क्रेविन को उसकी कॉमिक एक्यूरेट वेस्ट मिलते हुए देख सकते हैं जो कि उसको उसके पिताजी के ऑफिस में मिल जाती है और वो काफी ज्यादा तो नहीं लेकिन बहुत ही उस कॉमिक एक्यूरेट हमें देखने को मिल जाती है, लेकिन जितना इसका ट्रेलर अच्छा था उस तरह से इसका ट्रेलर का एंड भी हमें अच्छा खासा उन्हें किया गया दिखाया जाता है क्योंकि एंड में हमें एक आदमी देखने को मिल जाता है जो कि कहता है कि डू यू नो व्हाई दे कॉल मी राइनो और वो खुद को एक इंजेक्शन इंजेक्ट कर लेता है जिसके बाद वो राइनो में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। तो बेसिकली इस मूवी में हमें राइनो भी देखने को मिलने वाला है जो भी एक स्पाइडरमैन का एक अच्छा खासा विलन है जिसको हमने अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में भी देखा था, लेकिन इस मूवी में हम उसका काफी डिफरेंट वर्जन देखने को मिलने वाला है। लेकिन इस मूवी का मेन विलन अब भी हमें देखने को नहीं मिला है और राइनो को वो कौन सा इंजेक्शन है जो उसने इंजेक्ट कर लिया, उसमें कौन सी पावर थी और वो कहां से आया था। और ऐसे रिपोर्ट्स आ रही थी कि इस मूवी में हमें क्रेविन का हाफ ब्रदर कैमिलियो भी देखने को मिलने वाला है जो किसी का भी कहीं भी कौन सा भी रूप ले सकता है, हाँ वो लिटरली किसी का भी रूप ले सकता है और उसको भी हमने अभी तक इस ट्रेलर में नहीं देखा है, लेकिन जो कि ये मूवी आर रेटेड होने वाली है और इसका ट्रेलर इतना तगड़ा लग रहा है तो आई एम काइंड ऑफ एक्साइटेड फॉर इट। लेकिन आपने अगर ये ट्रेलर देखा है तो आपको ये कैसा लगा और तुम क्या इस मूवी के लिए एक्साइटेड हो, ये सभी चीजें मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। और इन्हीं सारी बातों के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे रैप अप कर देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, लेकिन तब तक के लिए देखते रहिए वाइल्ड वाइन एसडी टीवी।